Hello everyone, in this video we are going to do the questions of the summary of SSCC Gatsby 2019. Before starting this video, I want to say that my name is Tushar Garg and you are watching our channel VR. This is the questions of 15th 11th 2020. First question is estimate. Option A is believe, option B is discover, option C is assess, and option D is solve. The meaning of the estimate is roughly calculation or Hindi mein bolte hain aankalan karna. Jisme dekhiye structure ke andar ki jo 38.6 guna 12.2 likha hua hai, iska jo guna hai humne yahan par isko 40 mankar aur isko 10 mankar ek roughly calculation ki gayi hai ki jiska answer maan liya ki lagbhag 40 ke aas pas aayega. लेकिन ये रियल आंसर नहीं है. इसी चीज को जो इस कैलकुलेशन की गई है उसी चीज को बोला जाता है एस्टीमेट. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी जो कि है एसएस. दी सो इसका जो मीनिंग है वो है प्राइस और एस्टीमेट, मतलब कि मूल्यांकन करना या फिर आकलन करना, इसी जो एक्सप्रेस माना जाता है. नाउ वी सी द मीनिंग ऑफ अदर वर्ड दैट इज बिलीव. बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, जिसको इंग्लिश में लिखा हुआ है ट्रस्ट. Accept something as a truth. Next word is discovered. The meaning of discovered is to find something for the first time. अगर किसी भी चीज को पहली बार पाया जाता है उसी चीज को डिस्कवर बोला जाता है. याद रखिए जो चीज पृथ्वी पर एक्सिस्ट करती है लेकिन अभी तक किसी के बारे में उसको पता नहीं है, अगर कोई व्यक्ति उसको पहली बार देखता है जो कि पृथ्वी पर एक्सिस्ट करती है उसी चीज को डिस्कवर बोला जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज सॉल्व. सॉल्व जो है जिसका मीनिंग होता है रिवॉल्व या फिर अनटेंगल, मतलब की है किसी चीज को सॉल्व करना या फिर किसी चीज को सुलझा देना. अब इसमें जो पिक्चर आपको दिख रही है वो एक डिस्कवर की पिक्चर है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो आपको जो प्रिंट दिख रहा है वो एक लाइक है फिंगर प्रिंट या फिर थंब प्रिंट है, लेकिन जैसे उसने मैग्नीफायर से देखा तो उसको कुछ नंबर्स नजर आए, उसने पहली बार देखा था, तो इसी चीज को डिस्कवर बोला जाए. Now come to the next synonyms. Next synonyms is motive. Option A is reason, option B is benefit, option C is chance, and option D is utility. The meaning of the motive is purpose or reason. मतलब कि कोई भी कारण होना. Just like इस picture में देखेंगे जो वो है वो कोई भी जो कारण करता है या फिर काम करता है उसका जो motive होता है वो केवल money है. इसलिए यहाँ पर जो motive को बोला गया है वो या तो उद्देश्य बोल सकते हो या फिर किस चीज को काम करने का कारण बोल सकते हो. एंड जो सिनोनिम्स है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए दैट इज रीजन, जिसका मतलब होता है कॉज या फिर कारण. नाउ वी सी द मीनिंग ऑफ अदर वर्ड. फर्स्ट इज बेनिफिट. बेनिफिट का मतलब होता है प्रॉफिट या एडवांटेज, मतलब कि फायदा होना. नेक्स्ट इज चांस. चांस का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, जिसको हम हिंदी में अक्सर बोलते हैं. नेक्स्ट इज यूटिलिटी. यूटिलिटी का मतलब होता है यूजफुलनेस, जो ऐसी चीज वो हमारे काम में आए उसी चीज को हम यूटिलिटी बोलते हैं. जैसे ऐसे पिक्चर में देखते हैं जो बल्ब है, मोबाइल है, टैब दिख रहा है आपको, टेलीविजन दिख रहा है, ऑफर दिख रहा है, ये सब यूटिलिटी है क्योंकि ये ह्यूमन पर्पस के लिए काफी यूजफुल है. नाउ वी सी दी अनदर एनोनिम्स ऑफ 15th डे. थर्ड इज रिलक्टेंट एंड ऑप्शन आर अनविलिंग, अफ्रेड, स्टडी एंड प्लीज. The meaning of the reluctant is unwilling to do something. मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को अपनी इच्छा से ना करना चाहे तो उस चीज को बोला जाता है reluctant. Just like इस पिक्चर में आप देखते हैं जो वो है वो इस गर्ल से या तो शादी नहीं करना चाह रहा है या फिर वो अभी नहीं करना चाह रहा है, तो इसमें जो व्यक्ति है वो एक नहीं चाहता है शादी करना, वो एक reluctant कहलाएगा. लेकिन जो है गर्ल तो इसको खींच कर ले जा रही है, उसके मजबूरी का कारण काम करा रही है, इसे ही कर लगता है कि जो वो है वो शादी नहीं करना चाहता है. तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज अनविलिंग, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ भी है. नाउ दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड. फर्स्ट इज अफ्रेड. अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ होना, जस्ट लाइक फ्रिटेंट, स्केट एंड एप्रीहेंसिव जो इसके सुनोनिम्स हैं. नेक्स्ट इज स्टडी. स्टडी का मतलब होता है कि कोई चीज मूव ना करे, वो एक ही जगह खड़े रहे या फिर वो कंटिन्यूसली मूव करते रहे ना रुके, उस चीज को बोला जाता है स्टडी. इसके दोनों मीन्स हैं. कहने का मतलब यह है जो कार्य चल रहा है उसको चलने देना, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आना,
चाहे वो स्थिर में है तो बाद में भी स्थिर रहे, अगर मूव कर रही है तो वो बाद में भी मूव करती रहे। जस्ट लाइक पिक्चर में देखते हैं कि आपने जो टॉर्टोइस है और रैबिट की जो स्टोरी सुनी होगी, उसमें जो कछुआ है वो चलता रहता है, मतलब वो स्टडी करता रहता है, रुकता नहीं है, जो कंडीशन है वो सेम चल रही थी उसकी, इसी चीज के लिए यहाँ पर स्टडी वर्ड का यूज किया गया था। नेक्स्ट वर्ड इज प्लीज। प्लीज का मतलब होता है हैप्पी, ब्लिसफुल और निश्चल, इसका मतलब होता है खुशी होना, और जो सब तीनों है वो इसके सुने हैं। नाउ वी सी दी एंड द क्वेश्चंस ऑफ एसएससी सीजर्स मेंस जो कि 16 डेट को लगा था, ये उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। वेरिफिकेशन ऑप्शंस आर रिसेप्शन, सेटिस्फेक्शन, सोर्स एंड कंसीक्वेंस। अब देखते हैं वेरिफिकेशन का मीनिंग क्या है। वेरिफिकेशन का मतलब होता है द पॉसिबल लैक ऑफ एन एक्शन, मतलब कि परिणाम होना किसी भी कार्य का, या फिर कंसीक्वेंस या फिर अफेक्ट, जिसको हम हिंदी में परिणाम बोलते हैं। The answer of this question is option number D, that is consequence, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। Now we see the meaning of the other word, that are inception. Inception का मतलब होता है the beginning of an organization or official activity, मतलब यह है कि किसी भी organization या official व्यक्ति का activity का start होना ही हम inception कहलाता है। और जो satisfaction होता है, जिसका मतलब होता है संतोष होना, जो students होंगे वो होंगे verification या फिर content। जो सोर्स है, इसका मतलब होता है ए प्लेस, पर्सन और थिंग फ्रॉम वे समथिंग कम, मतलब यह है कि एक ऐसी जगह या पर्सन या चीज जिससे कोई चीज आती है या फिर स्टार्ट होती है, उस चीज को या उस पर्सन को या फिर उस जगह को हम सोर्स बोलते हैं। नाउ वी सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सिनोनिम्स, दैट इज एफिशिएंसी। ऑप्शंस ए इज कैपेबिलिटी, ऑप्शन बी इज टेंडेंसी, ऑप्शन सी इज फ्लुएंसी, ऑप्शन डी इज डिसिप्लिन। The meaning of the efficiency is capacity, competence, मतलब क्षमता। इस पिक्चर में आप देखते हैं कि जो व्यक्ति है वो एक बॉक्स को खिसका रहे हैं। यहाँ पर जो इस व्यक्ति की एफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा है। कैसे पता लग रहा है? क्योंकि जो बॉक्स है वो एक बॉक्स है, वो क्यूब शेप का है, लेकिन जो इस व्यक्ति को सरका रहा है वो जस्ट लाइक ऐसे सरका रहा है कि जो बॉक्स सर्कुलर हो और इजिली ही आगे बढ़ जाए। इस व्यक्ति की इतनी कैपेसिटी है कि इसने बॉक्स को इस तरह से मूव किया है कि जस्ट लाइक एक रोलर। अब यहाँ पे जो एफिशिएंसी का मतलब तो समझ गए, लेकिन अब इसका सिनोनिम्स क्या होगा? तो इसका सिनोनिम्स होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू डू समथिंग, किसी चीज को करने की क्षमता। नाउ दिस इज द मीनिंग ऑफ द अदर वर्ड, दैट इज टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब होता है इंक्लिनेशन या फिर प्रोपेंसिटी, मतलब कि किसी चीज के प्रति अपना झुकाव होना या फिर किसी चीज को अपना पसंद करना ही टेंडेंसी कहलाता है। और फ्लुएंसी का मतलब होता है द एबिलिटी टू स्पीक और राइट ए लैंग्वेज इजीली, वेल एंड क्विकली, मतलब यह है कि किसी भी लैंग्वेज को एक बोलने की क्षमता या फिर लिखने की क्षमता, किस तरह की क्षमता जो उसको आसानी से और जल्दी बोला जा सके। कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, उसी व्यक्ति की क्षमता को, लैंग्वेज बोलने की क्षमता को ही फ्लुएंसी बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी मतलब ए फिजिकल और मेंटल कंडीशन दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर समवन टू डू द थिंग्स दैट अदर पीपल्स डू। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी जो फिजिकल और मेंटल कंडीशन इस तरह से खराब हो चुकी है कि अगर वो कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वो दूसरे व्यक्ति की तुलना में उस कार्य को काफी डिफिकल्ट तरीके से करेगा, और उस व्यक्ति को जो मेंटल कंडीशन या फिजिकल कंडीशन होती है, उस व्यक्ति की जो चीजें है उसको बोला जाता है डिसेबिलिटी। जस्ट लाइक पिक्चर में आप देखते हैं इसे उसकी डिसेबिलिटी है, वो उसके लेग के अंदर है, इसकी भी इसमें लेग के अंदर है। ये सब जो आपको दिख रहे हैं कंडीशन, वो सारी एक फिजिकल कंडीशन है, इसी चीज को डिसेबिलिटी बोला जाता है। नाउ वी सी द क्वेश्चंस ऑफ एसएससी सीजर्स मेंस 2019। सिक्स्थ क्वेश्चन इज रिवाइव। ऑप्शन इज रिस्टोर, डैमेज, रिप्लेस एंड रिव्यू। द मीनिंग ऑफ द रिवाइव इज ब्रिंग समथिंग बैक टू लाइफ, एक्सिस्टेंस और यूज। अगर किसी व्यक्ति या फिर किसी चीज की जो कंडीशन है फिलहाल, उसको वापस अच्छी कंडीशन में ला सके, उसी चीज को बोला जाता है रिवाइव। जस्ट लाइक इस पिक्चर में आप देखते हैं जो व्यक्ति है वो एक डेथ कंडीशन के अंदर है, या फिर डेथ होने वाला है, और जो गर्ल है वो उसको हर्ट को फेस करता है, उसे पानी कंडीशन में जो कि एक अच्छी कंडीशन है, जीने वाली कंडीशन है, उसमें लाने की कोशिश कर रही है,
इसी चीज को बोला जाता है डिवाइड. The answer of this question is option number A, that is restore. इसका मतलब होता है to return something or someone to an earlier good condition or position. मतलब यही है कि किसी things या फिर किसी को उस पुरानी condition में जाना जो अभी present condition है उससे better condition है. Just like इस picture में आप देखेंगे कि वो एक computer का है, इसमें आप देखते हैं कि जो एक फाइल है वो एक recycling bin के अंदर है, वो किसी local data से आई है, लेकिन अगर हम उसको वापस लोकल डाटा में भेजना चाहते हैं तो उसको हमें रिस्टोर करना पड़ता है. मतलब अगर उसे हम लोकल डाटा के अंदर ले जाते हैं तो पहली वाली कंडीशन आ जाती है जिससे वो चालू हो जाए, लेकिन रिसाइकल बिन के अंदर कभी भी फाइल ओपन नहीं होती है. नाउ वी सी द मीनिंग्स ऑफ एंड द वर्ड दैट इज डैमेज. डैमेज का मतलब होता है हार्म, डिस्ट्रक्शन या फिर नुकसान. जो यहाँ पर हिंदी में ऑलरेडी लिखा हुआ है ये आप सब जानते हैं. डिप्रेस क्या होता है? To cause someone to feel unhappy with doubt hope. अगर कोई व्यक्ति दुखी होता है और कुछ भी होप ना हो उसके लिए तो वो व्यक्ति को बोला जाता है कि वो व्यक्ति डिप्रेस है. जस्ट लाइक इस पिक्चर में आप देखें जो गर्ल है वो अनहैप्पी है और उसे कोई होप नहीं है, तो इस कंडीशन में जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं हम डिप्रेस. अब रिव्यू क्या होता है? टू थिंक और टॉक अबाउट समथिंग अगेन इन ऑर्डर टू मेक चेंजेस टू इट और टू मेक ए डिसीजन अबाउट इट. अगर किसी चीज के प्रति अगर हम बात करते हैं या फिर थिंक करते हैं जिससे कि हम उस जो चीज है उसमें या तो चेंज कर सकें या फिर उसके ऊपर डिसीजन ले सकें, तो उस चीज को बोला जाता है रिव्यू करना. मतलब कि मेरा कहने का यह है कि कोई एक चीज है उसके बारे में अगर हम दोबारा बात करते हैं, दोबारा सोचते हैं, क्यों सोचते हैं या क्यों बात करते हैं, क्योंकि हम उसमें चेंज कर सकें या फिर उसमें अच्छा डिसीजन ले सकें, उस चीज को बोला जाता है रिव्यू. नाउ वी सी द क्वेश्चंस ऑफ एसएससी सीरीज में 2019 जो कि 18 डेज को लगे हैं, इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन. एस्टोनिशमेंट. एस्टोनिशमेंट क्या होता है? एस्टोनिशमेंट मतलब होता है ग्रेट सरप्राइज और वंडर, मतलब की आश्चर्यचकित रह जाना. ऑप्शन आर वंडर, कंपोजर, प्राइड एंड एक्सपेक्टेशन. The answer of this question is that is wonder, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है. Now we see the meaning of adverb. Best is composer. Composer क्या होता है? Calmness या फिर self control, मतलब कि अपने आप पर इतना control होना कि हम किसी भी कार्य को आसानी से करें, उसमें जल्दबाजी ना करें, उसी चीज को बोला जाता है composer. Just like इस picture में आप देखते हैं जो girl है वो एकदम ध्यान लगाए हुई है, उसको किसी भी चीज की जल्दी नहीं है, वो एकदम अपने माइंड को सेल्फ कंट्रोल कर रही है, इसी चीज को बोला जाता है कंपोजर. फ्राइड. फ्राइड क्या होता है? ए सडन इंटेंस फियर, फीलिंग ऑफ फियर, मतलब कि एक ऐसा इंटेंस या एक ऐसी फीलिंग जो कि फियर की होती है वो एकदम से आ जाती है, उसी चीज को बोला जाता है फ्राइड. यहाँ पे जो फ्राइड पर लिखा हुआ एक नाउन वर्ड है जिसका मतलब होता है डर. द एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है the feeling that both things are going to happen in the future. मतलब यह है कि हम ये सोचें कि अपने जो फ्यूचर है, अपना जो भविष्य है उसमें कुछ अच्छा होने वाला है, जो ये फीलिंग है अच्छे होने की फ्यूचर के अंदर, उसी चीज को बोला जाता है एक्सपेक्टेशन. नाउ वी सी अनदर क्वेश्चन. कंडेंसिंग. ऑप्शन ए इज स्टिमुलेटिंग, ऑप्शन बी इज पैट्रोनाइजिंग, ऑप्शन सी इज ग्रेडिंग एंड ऑप्शन डी इज एक्यूजिंग. नाउ वी सी द मीनिंग ऑफ कंडेंसिंग. इसका मीनिंग होता है शोइंग दैट यू कंसीडर योरसेल्फ बेटर और मोर इंटेलिजेंट. मतलब यह है कि अगर वो व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति को यह दिखाना चाहता है कि मैं उस व्यक्ति से ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है. ये जो फीलिंग है या फिर जो दिखाना है उसको बोला जाता है अंडरस्टैंडिंग, और जो इसका सिनोनिम्स होता है वो होता है पैट्रोनाइजिंग, जिसका मतलब भी सेम है, बिहेव टुवर्ड समवन एज इफ दे आर स्टूपिड और नॉट इम्पोर्टेंट. मतलब कि अंडरस्टैंडिंग यही है कि किसी व्यक्ति के सामने बताना कि तुम स्टूपिड हो और जो मैं हूं वो इंटेलिजेंट हूं. नाउ वी सी द मीनिंग्स ऑफ अनदर वर्ड. फर्स्ट इज स्टिमुलेटिंग. स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग इंटरेस्ट और न्यू आइडिया, मतलब कि प्रेरित करना, किसी व्यक्ति को बताना कि अच्छा है, उसके प्रति उस चीज को आगे बढ़ाना कि मतलब कि आप इस चीज को करें, उस चीज को बोला जाता है प्रेरित करना या फिर स्टिमुलेटिंग. अब क्रिएटिंग का मतलब होता है बनाना, और एक्सप्रेसिंग का मतलब होता है सजेस्टिंग दैट यू थिंक समवन हैज डन समथिंग बैड, मतलब कि यह सोचना कि इस व्यक्ति ने जो बड़ा कार्य किया है और बताना कि
बढ़ती है, इसलिए ये गलत काम किया है। बदला लेने का ही है कि उस व्यक्ति पर आरोप लगाया जाता है कि उसने काम गलत किया है, उसी चीज को बोला जाता है एक्यूजिंग। नाउ वी सी द अदर पोजीशन, दैट इज एक्यूरेटली, ऑप्शन ए इज मॉडरेटली, ऑप्शन बी इज करेक्टली, ऑप्शन सी इज प्रॉम्प्टली, ऑप्शन डी इज पार्शियली। द मीनिंग ऑफ एक्यूरेटली इज इन ए वे दैट इज करेक्ट इन ऑल वे, मतलब यह है कि एक तरीका ऐसा जो हर तरह से सही हो और उसमें जो सारी डिटेल है वो पूरी, उसी चीज को बोला जाता है एक्यूरेटली। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज करेक्टली। नाउ वी सी द मीनिंग्स ऑफ अदर वर्ड्स दैट इज मॉडरेटली। मॉडरेटली का मतलब होता है इन ए वे दैट इज नेदर स्मॉल नॉर लार्ज इन साइज अमाउंट डिग्री और स्ट्रेंथ, मतलब यह है कि साइज अमाउंट डिग्री और स्ट्रेंथ के अंदर ना ही वो ज्यादा बड़ा होता है ना ही वो ज्यादा छोटा हो, केवल मीडियम साइज का हो या फिर मीडियम अमाउंट का हो या मीडियम डिग्री का हो या मीडियम स्ट्रेंथ का हो, उसी चीज को बोला जाता है मॉडरेटली। अब प्रॉम्प्टली का मतलब होता है इनइमीडिएटली या फिर विथ नो डिले, मतलब कि कोई भी चीज को तुरंत तुरंत कर देना, उसमें डिले ना करना, उसमें देरी ना करना। पार्शियली का मतलब होता है नॉट कंप्लीटली, मतलब यह है कि कोई भी चीज हो लेकिन वो पूरी ना हो, आधी हो, कम हो लेकिन पूरी नहीं होगी, कंप्लीट नहीं होगी, उसी चीज को बोला जाएगा पार्शियली। इसी के साथ ही अपने सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे जो कि एसएससी सीजीएस में 2019 के अंदर आए थे, वो सारे के सारे मैंने क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।